अगर कोई आदमी वैसे खैरात के लिए बकरा ज़िबह करता है तो उसमें खुद भी खा सकता है, खा सकता है, बाकी का सवाब होगा ना जो तकसीम करेगा। सर वहीकल की तकलीफ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए, अल्लाह ने आपको उम्रा नसीब किया है, दुआ करते रहे अल्लाह हज भी नसीब करेंगे। मेरी भतीजी का बेटी का बच्चा पैदा हुआ, वो माँ के सामने उसके नीचे आ गया, बहरहाल गुजारिश ये है कि उस पर कोई कत्ल या किसास तो है नहीं, न दियत है, लेकिन शरीयत के हुक्म के मुताबिक वो 2 महीने के रोज़े रखे तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि गलती तो की है ना उसने। मेरे वालिद ने बेटियों को हक हिस्सा नहीं दिया, इंतकाल हो गया, उन्होंने हिस्सा देने का, लेकिन सारे अलग हो गए हैं। बहरहाल आपको अल्लाह तौफीक दे तो सबको हिस्सा दे दें। मैंने वतन में कुरान पढ़ना शुरू किया, हरम में आके ख़त्म हो गया, जितना यहाँ पढ़ा है उसका हरम का सवाब मिलेगा और जितना वहाँ पढ़ा है उसका वो सवाब मिलेगा, एक हर्फ पे 10 नेकियाँ मिलेंगी। सीधे तिलावत याद नहीं, एहतियातन कर लें अंदाजन। आपके दुरूस की सीडी कहाँ मिलते हैं? मेरे पास कम से कम नहीं है, आजकल तो नेट पे भी आप लेकर खुद ले सकते हैं, कोई ख़रीदने की क्या ज़रूरत है आपको। अगर कोई बंदा हालत आराम में चंद मिनट टोपी वगैरह पहन ले, कुछ नहीं होता,